नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं संध्या हिंदी खबर। आज मैं हजारीबाग के सदर प्रखंड अंतर्गत मंडई खुर्द के जंगल में आया हूं, जहां पे लकड़ियों की अवैध कटाई चल रही है। आखिर वन विभाग कहां सोई हुई है, क्यों नहीं देख रही है? तो मैं चलिए आपको दिखाता हूं कि पेड़ जो है वो कैसे कटी हुई है और कितना बेरहमी से पेड़ को काटा गया है। और ज्यादा दूर नहीं है, मेरे पीछे में है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जरा दिखाइए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। लोगों के द्वारा लगातार पेड़ जो कटाई हो रही है अवैध तरीका से, मैं आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से काटा जा रहा है। आखिर क्यों, फॉरेस्ट विभाग कहाँ सोई हुई है? चलिए मैं इसका छोटा भाई को दिखाता हूँ। छोटा भाई पेड़ देखिए कितना नीचे से काटा है, कम से कम कि कैसे पेड़ को बचाया जा सके। अब बताइए आप कि ऐसा लगातार पूरे जंगल में हो रहा है, एक जंगल की बात नहीं है या पूरे जिले के काफी जंगलों में सेम ऐसा ही हो रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है। आप पूरा जंगल को देख सकते हैं किस तरह बर्बाद हो रहा है। आइए मैं जरा और कुछ पेड़, हमारे पीछे कुछ और पेड़ है, मैं दिखाता हूँ आपको जाके। आइए जरा पीछे से आइए, आप देख सकते हैं यह जंगल जो है पूरा तरह से पहले भरा हुआ करता था, लेकिन अभी जंगल का नक्शा जो है पूरी तरह से बदल गया है। आप यहाँ पे देखिए ये पेड़ का नक्शा, इतना छोटा नवजात पेड़ को काट दिया गया है। अब बताइए कहाँ तक सही है ये, और जनता क्यों ऐसा कर रही है? हजारीबाग के लोग और जहाँ के गांव के लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उन लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? फॉरेस्ट विभाग भी सोई हुई है और पूरी जनता भी सोई हुई है, पढ़े लिखे जनता भी सोई हुई है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अभी तो हम देखे कि अवैध तरीका से पेड़ की कटाई कैसे हो रही थी, और अभी हम देखेंगे कि अवैध तरीका से पेड़ की लगाई कैसे हुई है। आइए देखिए कि कैसे पेड़ को सरकार द्वारा ये पेड़ लगाया गया था, और ये पेड़ कहाँ है वो आप देख लीजिए अच्छा से, ठीक है? और पेड़ दिखाइए इधर, देखिए ये पेड़ भी लगाया गया था, कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं। कई पेड़ है यहाँ पे, कई एकड़ में वहाँ पे चारों तरफ, आप दिखाइए जरा चारों तरफ दिखाइए कितना एकड़ में पेड़ जो है लगाया गया था। यहाँ पर कुछ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, जो दो चार पेड़ होंगे उसी में कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी ये सब पेड़ को देख लीजिए, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। कोई अधिकारी, किसी का भी नाम ले लीजिए, फॉरेस्टर वगैरह कोई भी हो, वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई जांच करने तक यहाँ नहीं आया है कि कहाँ पेड़ लगा हुआ है और कहाँ नहीं लगाया हुआ है। आप जरा सा देखिए ये सब पेड़ का नक्शा, आप देखिए उधर और दिखाता हूँ, इधर बहुत सारे पेड़ जब लगाए गए थे तो कुछ लोगों ने बताया भी था मुझे कि बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, लेकिन कहाँ पे है पेड़ उसका कोई ऐसा पता नहीं है। ये बहुत सारे पेड़ लगाए हुए, चार बहुत बड़ा, आप उधर से दिखाइए जरा, उधर से दिखाइए पूरा चारों तरफ कुछ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप काउंटिंग भी कर लीजिएगा तो कम से कम 10-15 पेड़ नजर आ रहे हैं।